हेलो एवरीवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन में आज हम लोग ट्विंस नाम की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मैथमेटिक्स सेक्शन में नंबर थियरी की एक प्रॉब्लम है। आइए इसको रीड आउट करते हैं। लिया इज फैसिनेटेड बाय एनीथिंग शी कंसिडर्स टू बी अ ट्विन। शी कॉल्स अ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आई एंड जे ट्विंस इफ दे बोथ आर प्राइम। अ प्राइम नंबर इज एन इंटीजर ग्रेटर देन वन एंड हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। आई होप आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सेकेंड है कंडीशन कि देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू टू। इट मीन्स जे माइनस आई इज इक्वल टू टू या आई माइनस जे इज इक्वल टू टू। गिवन एन एक्सक्लूसिव इंटरवल फ्रॉम एन टू एम कैन यू हेल्प लिया टू फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ट्विंस देर आर इन द इंटरवल एन टू एम। नो दैट पेयर्स आई जे एंड जे आई आर कंसिडर टू बी द सेम पेयर। ऑब्वियस भी है कि अगर हम एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहे हैं तो आई जे और जे आई को हम सेम पेयर बनेंगे। नाउ इसमें ये देख लेते हैं कि एन और एम कैसे वैल्यूज हैं। एन और एम जो वैल्यूज हैं वो 10^9 तक हो सकते हैं। काफी बड़ी वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो सोल्यूशन प्रोवाइड इसको करना है वो सोल्यूशन एन टाइम में भी हम नहीं कर सकते। तो एन टाइम में भी अगर आपको सोल्यूशन फाइंड करना होगा इसका मतलब ये होगा कि आपको सी ऑफ इरोथिनेस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर की बात कही गई है। इसका मतलब आप प्राइम नंबर फाइंड करेंगे। नाउ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो एम माइनस एन है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10^6। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो जो रेंज है वो 10 हो सकता है कि स्टार्ट हो 10^3 से और 10^9 तक जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेंज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द मैक्सिमम नंबर दैट यू आर टेकिंग। सो यहाँ पे हमें शायद सेगमेंटेड सीव ऑफ इरोथिनेस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, जो कि एक रेंज में प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ इनका सैम्पल इनपुट ये कह रहा है कि 3 और 13 ये हमारी रेंज है। सो एम हमारा ये है और एन हमारा ये है, या उल्टा मान लें एन एम को। तो हमें क्या करना है कि 3 और 13 के बीच में सारे प्राइम नंबर फाइंड करने हैं। तो सारे प्राइम नंबर्स इसके बीच में मिले 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है, 5, 7 के बीच का डिफरेंस 2 है, 7 और 11 के बीच का डिफरेंस 4 है, और 11 और 13 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो टोटल नंबर जो पेयर जो आपको ऐसे मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, और यही आपको आउटपुट करना है। तो ये ऑब्वियस भी है कि जो हमें प्राइम नंबर्स मिलेंगे अगर 2 इंक्लूडेड नहीं है हमारे सेट में तो हर एक प्राइम नंबर के बीच में मिनिमम 2 का गैप होगा। तो हमें क्या करना है कि जो हम प्राइम नंबर्स फाइंड कर रहे हैं, अगर हम सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर फाइंड कर लेते हैं तो आपको कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस देख लीजिए बस। अगर कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 है तो आपने आंसर फाइंड कर लिया। उसको एक काउंटर में लगा के काउंटिंग को आप इंक्रीज करते रहिए। तो इसी तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि हमें सेगमेंटेड सीव ऑफ इरोथिनेस कॉन्सेप्ट को यूज करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपने मेरा लेक्चर सीव ऑफ इरोथिनेस और सेगमेंटेड सीव ऑफ इरोथिनेस के लिए देख लिया है। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं कि सेगमेंटेड सीव ऑफ इरोथिनेस कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हमने मान लीजिए कि 13 तक हमें ये देखना है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 3 से 13 तक, लेट्स से इसी वाला ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 से 13 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। सो अगर हमें 3 से 13 तक प्राइम नंबर फाइंड करने हैं तो हम सबसे पहले √13 तक प्राइम नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। √13 तक जो प्राइम नंबर्स हमें मिलेंगे वो 2 एंड 3 मिलेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 3 से लेके 13 मतलब कि 13 -3 + 1 मतलब कि 11 साइज का हम एक बूलियन एरे ले लेते हैं, या DAT ले लेते हैं, डायरेक्ट एड्रेस टेबल ले लेते हैं। और यहाँ पे हम मल्टीपल्स जो होंगे 2 और 3 के उनको मान लेंगे कि वो प्राइम नंबर्स नहीं है। ये जो इंडेक्सेस होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसके बाद हमने सॉरी इसमें 11 इंडेक्स वाला नहीं होगा, तो हम ऐसे मान सकते हैं केवल 10 इंडेक्स तक हमारे पास नंबर्स हैं। इन सभी को हमने ट्रू डिक्लेयर कर लिया, मान लिया कि सारे के सारे प्राइम है। उसके बाद हमने 2 नंबर को पिक किया और इसके मल्टीपल्स को चेक किया। इससे पहले हम एक चीज और कर लेते हैं कि ये जो इंडेक्सेस हैं उनकी मैपिंग कर लेते हैं।
एक्चुअली ये जीरो इंडेक्स थ्री को रेफर करेगा, वन इंडेक्स फोर को रेफर करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। टू के जो मल्टीपल हैं वो फोर हमारा नहीं हो सकता प्राइम, इसको जीरो कर देते हैं। सिक्स भी नहीं हो सकता प्राइम, एट भी नहीं हो सकता प्राइम, टेन भी नहीं हो सकता प्राइम, ट्वेल्व भी नहीं हो सकता प्राइम, जीरो कर देते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं। इसके बाद हम थ्री को पिक करते हैं, और चूंकि थ्री पहला ही इंडेक्स है तो ये तो वन ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है। इसके बाद फिर थ्री का जो पहला मल्टीपल सिक्स है उसको हमने जीरो कर दिया, नाइन को हमने जीरो कर दिया, ट्वेल्व ऑलरेडी जीरो है, तो बच गए सारे नंबर्स हमारे प्राइम होंगे। इसका मतलब कि थ्री, फाइव, सेवन, उसके बाद फिर इलेवन और थर्टीन। तो जिन जिन एरे में या डी ए टी के जिस जिस इंडेक्स पे वन वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। अब हमने ऑलरेडी प्राइम नंबर्स फाइंड कर लिया है, इसको एक वेक्टर में स्टोर कर लीजिए या एक एरे में स्टोर कर लीजिए, एंड देन उसके बाद वन बाय वन इनका डिफरेंस फाइंड कर लीजिए कंसेक्यूटिव नंबर्स का। उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि क्या उनके बीच में डिफरेंस टू है या नहीं है। तो सीव ऑफ इरोथिनेस कॉन्सेप्ट को मैं मान रहा हूँ कि हम आपने ऑलरेडी देख लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया है एक बार सेगमेंटेड सीव ऑफ एल्गोरिथम में। जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, सेगमेंटेड सीव ऑफ इरोथिनेस एल्गोरिथम को। इसमें हमने एसक्यूआरटी फाइंड किया हाई तक, सीव ऑफ इरोथिनेस कॉन्सेप्ट से फाइंड कर लिया कि कौन कौन से प्राइम नंबर है, आंसर वेक्टर में उसको स्टोर कर लिया है। एक रेंज साइज फाइंड करते हैं हाई माइनस लो प्लस वन, और इसी साइज का एक बुलियन डीएटी बना लेते हैं, डायरेक्ट एड्रेस टेबल। 49 नंबर लाइन जो है वो एक डीएटी बना रहा है, और इसमें सभी वैल्यूज को हमने ट्रू सेट कर दिया। फाइनल आंसर में हमारे वो सारे नंबर्स होंगे जो कि हमें उस रेंज में मिले हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स। इसके बाद हमने आंसर जो हमें मिला था, इसका मतलब क्या है कि जो अंडर रूट एन तक जो हमें प्राइम नंबर्स मिले हैं उनका साइज है उस एरे का, जीरो से लेके एन तक। मतलब कि हमें ये देखना है कि जो नंबर्स हम पिक कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि अंडर रूट एन तक, उनको उन उन प्राइम नंबर्स से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्राइम नंबर ले लेते हैं, वो पी है। फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करते हैं, और अगर फर्स्ट इंडेक्स लो से पीछे है तो इसको अपडेट करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स प्लस पी। अगर फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू पी है तो इसका मतलब क्या है कि जो पी नंबर है वो प्राइम नंबर है। फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू पी का ये मतलब है कि फर्स्ट इंडेक्स हमारा लो पे ही है या लो से कहीं आगे है, लेकिन वो नंबर प्राइम नंबर है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट पिक करते हैं नंबर, या पी का जो नेक्स्ट मल्टीपल वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो वैल्यू सेट करना या फॉल्स वैल्यू सेट करना। तो एफ आई इज इक्वल टू एफ आई प्लस पी, देन उसके बाद एफ आई से लेके हाई वैल्यू तक हमें जाना है और सारे मल्टीपल्स वाली जगह पे फॉल्स सेट कर देना है। चूंकि मैपिंग कर रहे हैं तो जे माइनस लो पे, मतलब कि लो इंडेक्स को माइनस कर रहे हैं तो हमें मैपिंग मिल रही है, और उस इंडेक्स पे जाके डी ए टी के फॉल्स सेट कर देना है। फाइनली जहां जहां इस डी ए टी वाले एरे में ट्रू वैल्यू है वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो वो सही इंडेक्स तभी बताएंगे जब हमने उसकी रिवर्स मैपिंग की, मतलब कि आई में लो को हमने ऐड किया और फाइनल आंसर जो हमारा वेक्टर है उसको हमने रिटर्न कर दिया, ये हमारे प्राइम नंबर्स का वेक्टर है। सॉल्व हमारा ऑलरेडी गिवन है, इसमें इसी फंक्शन में हमें अपडेशंस करने थे, तो हमने क्या करना है कि n और m रेंज हमें मानी गई सेगमेंटेड सीव ऑफ एल्गोरिथम, सेगमेंटेड सीव एल्गोरिथम में हमने n और m को पास कर दिया, आंसर वेक्टर हमें इससे मिला, और जो आंसर वेक्टर है उसमें हमने स्टोर कर लिया है सारे के सारे प्राइम नंबर्स को। प्रिंट करके हमने जस्ट एक वेरिफिकेशन कर लिया है कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर सही या नहीं, आप चाहें तो इसको हटा दीजिए। इसके बाद आंसर वेक्टर की हमने साइज पता कर लिया है और एक काउंटर ले लिया है जो कि जीरो ले लिया है। ये जो आंसर है मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसी में वो सारे प्राइम नंबर है जिनको जिनके आपको पेयर्स फाइंड करने हैं। सो काउंट इक्वल्स टू जीरो, और हमने पहले नंबर को छोड़ दिया और सेकेंड नंबर ऑनवर्ड्स ये दिखा, इस सेकेंड और फर्स्ट का जो डिफरेंस है क्या वो टू है, तो आंसर आई माइनस आंसर आई माइनस वन। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक एरे, हमने यहाँ पे थ्री से थर्टीन वाले में जो फाइंड किया होगा आंसर में, वो ऐसा होगा कि इसमें थ्री होगा, फाइव होगा, सेवन होगा, इलेवन होगा और थर्टीन होगा। तो इसमें आई की वैल्यू जीरो, यहाँ पे वन टू ये इंडेक्सेस हैं, तो हमने वन से स्टार्ट किया ताकि हम आई और आई माइनस वन इंडेक्स वाले एलिमेंट्स का डिफरेंस फाइंड कर सकें।
जब हमने इसका डिफरेंस फाइंड किया तो अगर ये टू है तो हमने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके टू इंडेक्स पे कर दिया। अब हम फाइव और सेवन का मतलब कि सेकेंड इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। अगर ये भी टू है तो काउंटर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली आई हमारा बढ़ता रहेगा, देन सेकेंड और थर्ड इंडेक्स का कंपेरिजन करेंगे, आई फिर से बढ़ेगा और हम थर्ड और फोर्थ इंडेक्स का कंपेरिजन करेंगे। तो जहां जहां हमें डिफरेंस टू मिलेगा वही हमारे ट्विन्स हैं, उन्हीं को हमें आंसर की तरह से प्रेजेंट करना है। तो काउंटर की जो वैल्यू है वही हमारा आंसर है, इसलिए आपने लास्ट में रिटर्न काउंट किया है और यही आपका आंसर है। सो लेट्स सबमिट दिस सॉल्यूशन। सो आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केस पास हो गया है। सबमिट करते हैं इसको। फाइन, ऑल द टेस्ट केसेस हैव गॉट पास्ड। इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये प्रॉब्लम का नाम है ट्विंस, और ट्विंस जो प्रॉब्लम है वो सीव ऑफ इरोथिनस और सेगमेंटेड सीव ऑफ इरोथिनस कॉन्सेप्ट पे बेस है। अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो ये टाइम लिमिट एक्सीडेड भी बताएगा और ये स्पेस एक्सीडेड भी बताएगा। तो इसका मतलब है कि हमें ये कंपलसरी है कि सीव ऑफ इरोथिनस कॉन्सेप्ट और सेगमेंटेड सीव ऑफ इरोथिनस कॉन्सेप्ट दोनों को हम यूटिलाइज करके ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियरिटी नहीं है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने सीव ऑफ इरोथिनस और सेगमेंटेड सीव ऑफ इरोथिनस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।